गुड मॉर्निंग क्लास 10 स्टूडेंट्स. सो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम टू कंटिन्यू दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. सो इन दिस चैप्टर वी ऑलरेडी डन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू इक्वेशन. नाउ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन बाय द थ्री मेथड्स, थ्री इंपॉर्टेंट मेथड्स फॉर द नेक्स्ट थ्री एक्सरसाइज, 3.3, 3.4 एंड 3.5. So the first topic of algebraic method is substitution method. Another is of elimination method, and the last is cross multiplication method. But on today we are talking about the substitution method. Substitution method is using to find out the solution. हम तीनों method find use करते हैं solutions find out कराने के लिए. जैसे कि आप देख रहे हैं substitution method है. Consider two equation, आप कोई two equation आपको given होंगी. द क्वेश्चन इज फाइंड आउट द सॉल्यूशन बाई यूजिंग द सब्सटिट्यूशन मैथड. क्वेश्चन में मैंशन किया जाएगा कि आपको सब्सटिट्यूशन मैथड यूज करना है, ओके, देन यू कैन यूज दिस मैथड. सो द कंसिडर, जैसा कि आप देख रहे हैं, द फर्स्ट इक्वेशन इज ऑफ 7x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2, एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. नाउ आई एम टेकिंग द सेकेंड इक्वेशन. वाई आई एम टेकिंग द सेकेंड इक्वेशन? बिकॉज इन द सेकेंड इक्वेशन द कॉन्स्टेंट टर्म ऑफ एक्स, एक्स के साथ जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो कुछ भी नहीं है, वन है. दैट्स वाई आई एम टेकिंग दिस इक्वेशन. और यहाँ पर दोनों ही है वेरिएबल के साथ कॉन्स्टेंट टर्म लगी हुई है, तो ये भी ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हमने सेकेंड इक्वेशन कॉपी किए हैं यहाँ पर, देन हमने क्या करा, प्लस का जो 2y था वो हमने राइट हैंड साइड पर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का जाके हो जाएगा माइनस. तो यहाँ से हमें x की वैल्यू यहाँ पर 3 माइनस 2y मिल गई, जो हमने इक्वेशन नंबर 3 लेट की है. नाउ इक्वेशन 3 वो हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में वापस, जिससे हमें वैल्यू फाइंड आउट करानी है. तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 7x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. तो 7x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2. नाउ वैल्यू ऑफ x इज ये रही आपकी 3 माइनस 2y. सो हमने x की जगह पर 3 माइनस 2y. सो 7 3 21, 7 2 14y. ये है हमारा यहाँ तक का लेफ्ट हैंड साइड. और देखिए माइनस का 15y तो एज इट इज है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे था, इज इक्वल्स टू 2. इक्वल टू में क्या है हमारे पास, 2. नाउ अब आपको पता होगा सेम वेरिएबल से सॉल्व होता है, और ये जो कांस्टेंट टर्म है प्लस का 21 हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, माइनस की, माइनस माइनस प्लस. सो 14 एंड 15 ऐड हो गया, माइनस का 29y, बड़े वाले नंबर का साइन माइनस, सेम एज 21 माइनस 2 इज 19, बड़े वाले नंबर का साइन माइनस. जब ये y माइनस का 29 डिवाइड में आएगा, सो y इज इक्वल्स टू माइनस 19 डिवाइड बाई माइनस 29. नाउ जो कैंसिल आउट एंड यू गॉट द वैल्यू ऑफ y.